हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिशनर नंबर 7वां। इसके पहले 6 प्रैक्टिशनर हो चुका है जो कि यूपी TSSC जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है होगा। और इसमें अगर हम बात करें तो ये फुल प्रैक्टिशनर है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। सिलेबस के अनुसार 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें हिंदी, रीजनिंग, GS, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन आने हैं। तो यूपी स्पेशल का सबसे लास्ट में 20 क्वेश्चन है। सो इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपका जो है भरपूर तरीके से जो है तैयार हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। और इसके पिछले वाले अगर प्रैक्टिशन नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से जो है वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हिंदी के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लेंगे, कुछ इस तरीके से दिया गया है कि पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, ये बताना है। यानी कि पश्चिमी हिंदी में जो बोलियाँ बोली जाती हैं, इनमें से कौन सी दो बोली है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये बताना है। कन्नौजी अवधी दिया गया है, ब्रज बघेली दिया गया है, छत्तीसगढ़ी बांगड़ दिया गया है, खड़ी बोली बुंदेली दिया गया है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अगर हम बोली की बात करेंगे तो देखिए वहां पर कुछ प्रमुख बोलियां हैं, जैसे कि ब्रज भाषा हो गया, हरियाणवी है, कन्नौजी है, बुंदेली है और खड़ी बोली है। ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती हैं। तो यहाँ पे खड़ी बोली और बुंदेली जो दिया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी पार्ट। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का विकास जो हुआ है, ये बोलियों का विकास जो हुआ है, ये किस अपभ्रंश से हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछ लिया जाता है। तो ये हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से। ठीक है, किस अपभ्रंश से? सौर सैनी अपभ्रंश से जो है इस पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, पश्चिमी हिंदी की बोली का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तीन प्रकार की बोलियाँ आती हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास जो हुआ है वो अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है, ये बताना है। ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि या फिर क्षेत्रीय रूप, कौन सी भाषा मतलब क्या बन जाता है अगर वह बोली जब थोड़ा सा उसका क्षेत्र विकसित हो जाए और उसमें जब साहित्य की रचना हो जाए तो वो किस प्रकार की बोली के अंतर्गत बन जाता है या फिर वो क्या बन जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में इसके आंसर की बात करेंगे। तो जब बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित होता है और उसमें साहित्य की जब रचना होने लगती है तब वो बन जाती है उपभाषा। क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। और इस तरीके से बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सागर सा गंभीर हृदय को, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये बताना है। ठीक है, ये दो जो पंक्ति दिया गया है इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये तीन काम आपको करना है जो हम नहीं कर सकते, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक वीडियो को जरूर करना है। चलिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अगर हम अलंकार की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार, आंसर सी पार्ट सी है। क्यों? क्योंकि जब दो वस्तुओं में समान धर्म का प्रतिपादन हो रहा हो तो वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सागर सा और गिर सा, गिर सा ऊंचा मतलब गिर मतलब पर्वत, पर्वत से ऊंचे जिसका मन मन हो, और सागर सा गंभीर हृदय हो यानी सागर जितना गहरा उसका हृदय हो। तो इस तरीके से दो समान धर्म के प्रतिपादन मतलब इसमें वस्तुओं में जो है समानता दिखाई जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, माने सागर जैसा गंभीर हृदय, हृदय का जो है तुलना जो है गंभीर से के समान सागर जैसे किया गया है, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये बताना है अगले क्वेश्चन में। तो इस पंक्ति में अगर हम अलंकार की बात करेंगे तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा, आंसर सी पार्ट है। यमक अलंकार क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर हम बात करें इस पंक्ति में तो पाप विनाशिनी माँ गंगा के बारे में इसमें कहा गया है। ठीक है, कि तुमने जितने लोगों को तारे हैं, तारे मतलब यहाँ पे हो जाएगा कल्याण किए हैं, तुमने जितने लोगों को कल्याण किए हैं, तारा है तारे हैं, उतने आकाश में तारे नहीं हैं। इस तारे वाले का मतलब जो स्टार होता है, ठीक है, आकाश में जो तारा होता है, इस वाले तारे का मतलब दूसरे वाले तारे का मतलब होता है। तो यहाँ पर एक ही शब्द आया है तारे, और तारे का दो अर्थ यहाँ पर निकल रहा है, एक कल्याण करना और दूसरा तारा मतलब तारों की संख्या यानी कि जो आकाश में रहता है। तो इस तरीके से यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा, आंसर इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में मिलान करना है। समास और शब्द, शब्द दिया गया है, समास बताना है। विदेश गमन, विदेश गमन में कौन सा समास होगा, ये बताना है। गिरधर में कौन सा, मिलाइए इसको। तो विदेश गमन में अगर हम मिलाएंगे तो एक का मिल जाएगा दो, एक का कौन सा हो जाएगा दो।
बी का कौन सा होगा, गिरधर में कौन सा समास है, तो बी का अगर हम देखेंगे गिरधर, तो गिरधर क्या हो जाएगा, गिरधर जो हो जाएगा वो आ जाएगा, गिरधर हम कृष्ण भगवान को कहते हैं, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, गिर को धरने वाला यानी कि पर्वत को उठाने वाला यानी कि श्री कृष्ण, तीसरा अर्थ। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। देश विदेश, अब जहाँ पे ये बीच में अगर डंडी आ जाए, जो पाई हाइफन जो लिखा हुआ है अगर ये आ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास हो जाता है, द्वंद्व दंडी, इस तरीके से याद रखिएगा। यथाशीघ्र, यथाशीघ्र क्या हो जाएगा, तो डी का थ्री हो जाएगा, अव्यय भाव, क्योंकि यथाशीघ्र में क्या हो जाता है, अव्यय आ रहा है, यथा यहाँ पे, तो इस तरीके से अव्यय भाव हो जाएगा, तो मिलान करने को इस तरीके से आ जाता है। फाइव का ऐसे अगर हम देखेंगे तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जो है योजक चिन्ह युक्त है, कौन सा शब्द योजक चिन्ह युक्त है ये बताना। ठीक है, परिवार, विद्यालय, खेल मैदान या माता पिता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह उसी को कहते हैं जो क्या होता है, बीच में हाइफन होता है, डंडी होती है, इसको योजक चिन्ह कहते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, ऋग्वेद का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ऋक् प्लस वेद बनता है, जो कि आपका ये ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार की संधि हो जाएगी ये भी याद रखिएगा, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो, तब तो उसे क्या कहा जाता है, यानी कि एक ही जो कार्यालय पत्र है, सरकारी पत्र या कार्यालय ज्ञापन है, उसको अगर एक साथ अनेक लोगों को भेजा जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं परिपत्र। क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। आंसर इसका हो जाएगा जो है डी ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, माँ का लड़का कहाँ गया, इसमें उद्देश्य का विस्तार भेद बताना है। ठीक है, जो उद्देश्य है, देखिए उद्देश्य और विधेय दो चीज़ें होती हैं वाक्य में, तो इसमें उद्देश्य में हमें विस्तार भेद बताना है कि किस प्रकार का विस्तार है। इस वाक्य में उद्देश्य जो है वो क्या है, उद्देश्य है माँ का लड़का, और कहाँ गया क्या है, यह है विधेय। ठीक है, तो उद्देश्य जो माँ का लड़का है, इसमें हमें क्या करना है, विस्तार भेद बताना है। तो माँ का लड़का क्या हो जाएगा, यहाँ पे संबंध बता रहा है, किसका लड़का, माँ का लड़का, तो एक तरीके से माँ और लड़के का संबंध बता रहा था, संबंध कारक हो जाएगा, तो विस्तार भेद इसका क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। ठीक है, काल बताना है और काल का कौन सा रूप है ये बताना। ठीक है, तो यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में अगर हम देखेंगे तो हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत यह आएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हेतु हेतु मद भूतकाल कैसे पहचानते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, भूतकाल माने पास्ट में होने वाली थी, पर किसी कारणवश नहीं हो सकी, तो वहां पे क्या हो जाता है, हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानना है। ठीक है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल बताना, इसमें से क्या हो जाएगा, तो ये देखिए अगर हम बात करेंगे तो ये अपूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक है, भूतकाल है वो भी अपूर्ण भूतकाल, क्यों, क्योंकि जिस क्रिया के भूतकाल के होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति न पता हो, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे लेकिन यह समाप्त नहीं हुआ है, आ रहे थे या आ चुके थे, मतलब आ ही रहे हैं, इस तरीके से ये वाक्य दिया गया कि समाप्त नहीं, तो यहाँ पे अपूर्व भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है, तो मैं घर जाऊंगा, अगर इसमें हम देखेंगे किस तरह का वाक्य है, ये सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर प्रश्नवाचक वाक्य, तो इस वाक्य में अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि मैं घर, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, अब किसे, दो उपवाक्य की से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य की तरीके से प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, इसमें मिश्र वाक्य में, अब इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि मुख्य उपवाक्य पर यह आश्रित रहता है। ठीक है, और इसका अगर हम बात करें तो जैसा वैसा, जो वो, तब, जब, तब, क्यों, यदि, आदि, इस तरीके से, मतलब कि जुड़ा होता है इस वाक्य शब्द से। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से बताना है कि जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें कौन सी क्रिया है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है ये बताना। देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे कर्म की, तो दो कर्म है, एक तो है गाय को, एक पहला कर्म, और दूसरा है चारा, तो यहाँ पे दो कर्म दिया गया। ठीक है, गाय को और चारा, तो जो दो कर्म दिया गया है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इस वाक्य में क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, जब दो कर्म आ गए तो दो कर्म क्रिया हो गई, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीकरे की मंगनी, ये उपन्यास है और ये किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना। ठीक है, ठीकरे की मंगनी, ये उपन्यास है और ये किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना।
ये उपन्यास जो है इसकी लेखक या लेखिका की बात करेंगे, नासिरा शर्मा हो जाएंगी, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनकी एक अन्य उपन्यास में याद रखिएगा सालमली है, जिंदा मुहावरे है, कुछ योजना है, सात नदियां एक समंदर भी इनके अन्य उपन्यास के नाम है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? इनमें से विकारी शब्द बताना है, आज लड़का इधर परंतु, विकारी और अविकारी दो प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? जो लिंग वचन कारक आदि से क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाता है उनका, ठीक है, तो वो विकारी होते हैं। जैसे क्या, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से संबंधित शब्द जो हो गए विकारी शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लड़का क्या है, विकारी, क्योंकि लड़का का अगर हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा लड़का का लड़की, तो विकारी शब्द हो जाएगा, जबकि आज इधर परंतु ये सब क्या है, ये अविकारी है, ये परिवर्तन नहीं हो सकते। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत विलोम बताना है, इनमें से कौन सा है? प्रवेश का नवेश दिया गया है, और प्रवेश का नवेश जो कि ये गलत है, प्रवेश का होता है निकास, तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी भूत का भविष्य, मुख का वाचाल, ठीक है, मुख मतलब कि चुप रहना, वाचाल माने बहुत अधिक बोलना, पुरस्कार का तिरस्कार, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, गलत बताना था, गलत ए पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक अशुद्ध है, मतलब कि गलत है, इनमें भी गलत बताना है, तो आकाश पुष्कर दिया गया है, कमल ताम्रस दिया गया है, ठीक है, यमुना जाह्नवी दिया गया है, कामदेव मनोभव दिया गया है, यहाँ पे गलती कहाँ पर किया गया है तो बताना। देखिए यमुना का जाह्नवी जो दिया गया है गलत है, जाह्नवी जो होता है गंगा का पर्यायवाची होता है, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे बैठा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, ठीक है, वाच्य वाच्य बताना, ठीक है, तीन प्रकार के वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यहाँ पे वाच्य बताना है। वाच्य में अगर हम बात करेंगे भाववाच्य, तो भाववाच्य क्या होता है कि जहाँ पे भाव प्रकट हो रहा हो, तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा, उससे बैठा नहीं जाता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ एक प्रकार का भाव बताया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे भाव की प्रधानता हो उस वाक्य में वहाँ पे भाववाच्य होगा। और एक अगर हम बात करें तो मुझसे टहला नहीं जाता, धूप को सहा नहीं जाता, इस प्रकार के वाक्य क्या होते हैं, भाववाच्य होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, चपला और चपल के समरूप भिन्नार्थक इनमें से कौन सा, मतलब चपला का बताना क्या अर्थ है और चपल का क्या अर्थ है। चपला का अर्थ होता है बिजली, चपला जो है बिजली का पर्यायवाची है, चपल मींस ते, तो यहाँ पे आंसर है पार्ट करेक्ट। कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं, कृत और तद्धित बताना इनमें से किसके भेद हैं। तो कृत और तद्धित जो होते हैं ये होते हैं जो है प्रत्यय के भेद, तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय, प्रत्यय हो जाएगा आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय होता है, ठीक है, प्रत्यय के भेद क्या होता है, कृत यानी कि कृदंत जिसको कह सकते हैं, और तद्धित, कृत क्या होता है, ये क्रिया या धातु के अंत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कृत जो होता है वो क्रिया या धातु के अंत में प्रयोग करते हैं, और तद्धित जो होता है ये संज्ञा के सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कृत जो होता है कृत क्रिया या धातु को नया रूप प्रदान करता है, और तद्धित प्रत्यय में अगर हम बात करेंगे तो छोटा आ हो गया, ठीक है, अक हो गया, आयन हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो तन हो गया, ता हो गया, त्वा हो गया, ये सभी जो है तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें से काला शब्द जो है विशेषण की दृष्टि से किस प्रकार का विशेषण है, ये बताना है। ठीक है, तो काला यहाँ पे दिया गया है और इसमें बताना है वाक्य में काला शब्द किस प्रकार का विशेषण है, तो काला शब्द जो है विशेषण तो है लेकिन किस प्रकार का विशेषण है, तो ये अगर हम बात करेंगे तो विधेय विशेषण, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विधेय विशेषण क्या होता है, जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है, तो जो विधेय विशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण विशेष के बाद प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे काला शब्द जो है घोड़ा, घोड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा और इसके बाद आया है, इसलिए यहाँ पे काला शब्द विधेय विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालब है, इनमें से कंठ तालब, कंठ तालब की अगर हम बात करेंगे तो ए और ए ये दो स्वर होते हैं जो कि कंठ तालब के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छोटा आ बड़ा आ जो है ये दोनों किस में आते हैं, छोटा आ बड़ा आ ये दोनों होते हैं कंठ। ठीक है, अगर कंठ पूछा जाएगा तो ये दोनों क्या होते हैं, कंठ होते हैं, छोटा आ बड़ा आ, और छोटी ई बड़ी ई जो होता है ये क्या होता है, ये तालब होते हैं। ठीक है, तालब, तालब होता है। ठीक है, छोटी ई बड़ी ई जो होता है तालब होता है, और छोटा ओ और आओ ये दो जो सब स्वर हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, इसको याद रखिएगा, इसको पूछ लिया जाता है इस तरीके से। ठीक, कंठोष्ठ, और कंठ तालब में ए और ए आता है, तो ये सब चारों याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं, इनमें से ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन में सा सा मतलब तीनों सा आता है और इसके अलावा हा भी आता है ऊष्म व्यंजन में, यहाँ पे सी ऑप्शन में गा जो होता है ये ऊष्म व्यंजन नहीं होता,
गा जो है अल्पप्राण व्यंजन होता है, अल्पप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द इनमें से कौन सा होगा? अगर हिंदी शब्दकोश बनाएंगे तो उसमें आने वाला शब्द की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले वक्त आएगा, फिर दूसरे नंबर पर इसमें वक्र आएगा, फिर आएगा वर्ग, फिर आएगा वर्ग। तो इस तरीके से इसका जो है क्रम होगा, ठीक है। क्रम क्योंकि छा जो होता है, छा ये जो रखा गया, ये वर्ण को का के बाद रखा गया है, ठीक है। त्रा को ता के बाद रखा गया है और ज्ञा को जो है जा के बाद रखा गया है। तो इसी दृष्टि से अगर हम देखेंगे शब्द की दृष्टि, शब्द को उसका प्रथम शब्द जो होता है वो अंक होता है, और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जो ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून सफेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का सही अर्थ है दया न रहने जाना, दया न रह जाना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करें, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अब आगे अपठित गद्यांश, जिस पांच प्रश्न अपठित गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा पॉज करके, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन अपठित गद्यांश से लेते हैं, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो साहसी मनुष्य जो होता है सपने उधार नहीं लेता, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। साहसी मनुष्य किसके समान है? आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो साहसी मनुष्य जो होता है सिंह अथवा शेर के समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति को किस व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से मनुष्यता को प्रकाश मिलता है, आंसर सी ऑप्शन। गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको आंसर निकल के आएगा। लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? गद्यांश को जो पढ़ने के बाद आपको इसका जो निकल के आएगा आंसर, कि लेखक ने हिम्मत यानी कि साहस की जिंदगी यानी कि जीवन को क्या है, महान बताया। तो हिम्मत के जीवन को महान बताया गया, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं? इनमें से व्यवहारिक व्यवहारिक के लिए पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो व्यवहारिक अगर हम बात करेंगे तो व्यवहारशील होता है, व्यवहार में लाने योग्य और व्यवहार कुशल भी होता है। आदर्शवादी जो होता है नहीं होता, इसका पर्यायवाची नहीं होता, ठीक है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो रीजनिंग के आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन में सॉल्व कराने वाला नहीं, इसका मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन देखिएगा, 15 क्वेश्चन है, उसके बाद हम जीएस को देखने वाले हैं। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आता है 32, 32 को सॉल्व करिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। 33 का क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से होगा, बी पार्ट, इसको भी सॉल्व करिएगा। 34 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 34 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट। वीडियो को पॉज करके जो है आपको सॉल्व करना है इनके क्वेश्चन को। कथन कारक 35 में दिया गया है, कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष को पढ़िएगा और इस तरीके से 35 का जो आंसर होगा कथन निष्कर्ष पढ़िएगा तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 में भी कथन निष्कर्ष दिया गया है इस तरीके से। 36 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट। इसके बाद श्रृंखला दिया गया है 37, इसका क्या आंसर होगा? 37 का आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा बी पार्ट। 38 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको भी सॉल्व करिएगा सी पार्ट। इसके बाद 39 के बाद 40 को सॉल्व करिएगा, 40 को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आना चाहिए इसमें बी पार्ट 40। 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट 454। फिर 42 का आंसर कुछ इस तरीके से दिया गया है, आकृति दी गया है, बताना है इसमें से कौन सा आकृति, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। 43 में बताना है वर्णन करना का आकृति नहीं होता, देखने का क्या हो जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट अदृश्य। एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है बी पार्ट, ठीक है। 45 को लगाइएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अब देखते हैं जीएस के क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन जीएस का देखते हैं, तो भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, इसका आंसर बताना। तो भारत ने तैमूर पर अगर हम आक्रमण की बात करेंगे तो भारत ने तैमूर भारत पर तैमूर ने भारत पर सॉरी भारत पर तैमूर ने जो आक्रमण किया था वो 1398 ईस्वी था, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये मध्य एशिया के मंगोल सेना नायक था, ठीक है, मंगोल का सेना था, सेना नायक था ये तैमूर, तैमूर लंग इसका पूरा नाम था। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था नासुरुद्दीन, कौन था? नासुरुद्दीन, ठीक है, नासुरुद्दीन, नासुरुद्दीन जो था तुगलक वंश का अंतिम शासक नासुरुद्दीन महमूद, ठीक है, नासुरुद्दीन महमूद जो था उसी के समय भारत पर आक्रमण किया गया था तैमूर के द्वारा, ठीक है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलुब राजवंश की स्थापना किसने किया था? तुलुब राजवंश की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो
यह किया गया था वीर नरसिंह तुलुप के द्वारा। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कब किया गया था? यह किया गया था 1509 ईस्वी में। ठीक है, 1509 ईस्वी में, सॉरी 1505 ईस्वी। ठीक है, 1505 ईस्वी में तुलुप राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह तुलुप के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये अगर हम बात करेंगे तुलुप नरसिंह, वीर नरसिंह तुलुप ने 1509 तक जो है विजयनगर पर राज किया था, विजयनगर पर शासन किया था। ठीक है, विजयनगर पर। तुलुप राजवंश की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो विजयनगर में। ठीक है, विजयनगर राज्य में हुआ था। इसके बाद उसका भाई कृष्णदेव राय जो था वो 1509 से लेकर 1529 तक शासन किया। कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक आमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना किया था कृष्णदेव राय ने, बहुत पूछा जाता है। इसको तेलुगु भाषा में जो है लिखा गया था। और बावन ने भी अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय के भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली बताया था, शासक बताया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता? ठीक है, 1333 में दिया गया है कि इब्न बतूता भारत पहुंचे, 1506 में गुरु नानक देव का जन्म बताया गया, इसके बाद 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, फिर 1498 वास्को डी गामा कालीकट में आया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ए सी और डी, ये तीनों सही है। गुरु नानक देव का जन्म जो है ये गलत लिखा हुआ है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था, 1469 ईस्वी में हुआ था। तलवंडी, तलवंडी एक स्थान का नाम है। तलवंडी पंजाब पड़ता है, जो कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के ननकाना साहिब में पड़ता है। तो वहाँ पे जो है गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। ठीक है, ये सिखों के पहले गुरु थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, जो मेल नहीं खाता वो कौन सा है? बी पार्ट। अगला क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्य सीमा भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल अगर हम बात करेंगे तो पाँच भारतीय राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा है? तो पहला आता है उसमें उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड हो गया। दूसरा कौन सा आता है? तो वो आता है यूपी, उत्तर प्रदेश। तीसरा आता है बिहार। ठीक है, बिहार के बाद सिक्किम राज्य जो है लगता है, सिक्किम राज्य। इसके बाद फिर आता है पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से पांच राज्य जो है टच करते हैं। अगला प्रश्न, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परियोजना, कुडनकुलम परियोजना की अगर हम बात करें इस प्रकार के राज्य, तो ये तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत में। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई पूछा गया है, क्या हो जाएगा? तो स्थलीय सीमा की लंबाई जो है भारत की अगर हम बात करेंगे तो कुल 15,106.7 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आंसर डी पार्ट हो जाएगा। कुल सात देशों से स्थलीय सीमा जो है टच करती है भारत की। तो इस तरीके से निकट स्थल को माना जा सकता है यहाँ पे उत्तर विकल्प। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, फेमा का विकल्प रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? सॉरी, फेमा का पूर्ण रूप, फेमा, फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है इसका फुल फॉर्म। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया है? तो इसके अगर हम बात करेंगे तो उस योजना का नाम है किसान विकास पत्र। ये कब शुरुआत किया गया था? 2014 में। ठीक है, सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो इसको पुनः जो है शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जिसको अमृत कहते हैं किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये अगर हम बात करेंगे अटल मिशन यानी कि अमृत जिसको कहते हैं, ये अटल मिशन फॉर रिजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत का फुल फॉर्म होता है। इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये अगर हम बात करें तो शहरी आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के अधीन आता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राज्य सभा की शक्तियों में से एक है? इनमें से, ठीक है, राज्यसभा की शक्तियों में से इनमें से कौन सा एक है बताना है। राज्यसभा की शक्तियाँ, ठीक है, राज्यसभा की शक्तियों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से कौन सा आंसर सही जाएगा? ठीक है, तो यह क्या होता है? गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव भी देता है। तो इस तरीके से ये इनमें से एक हो जाएगा। बाकी सारी शक्तियाँ इसमें से राज्यसभा की नहीं है। जैसे कि दिया गया पहले, यह संघ सूची और सम्मति सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है, जो कि गलत है, कानून नहीं बनाता। एक कराधान, बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तावों को मंजूरी देता है, यह भी गलत है। आपातकाल की घोषणा की मंजूरी देता है, भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने की लगभग अवधि कितनी थी? तो ये जब 1996 बने हुए थे पहली बार तो ये 2 हफ्ते लगभग रहे थे। 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक जो है ये रहे थे। तो यहाँ पे 2 हफ्ते लगभग हो जाएगा। आंसर इसका
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन से थे? ठीक है, भारत के प्रथम मंत्री, प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन से थे बताना है। भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम बताना है। भारत के पहले गृह मंत्री जो थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बी ए पार्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता का सिद्धांत यानी रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया था? कौन से वैज्ञानिक थे? तो वह थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। ठीक है, जिसका सूत्र क्या था, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो जो प्रथम उपग्रह जो था भारत के द्वारा जो लॉन्च किया गया था अंतरिक्ष में, वो था आर्यभट्ट। ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया था? आर्यभट्ट रखा गया था। इसका प्रक्षेपण जो हुआ था वो सोवियत संघ के कापुस्तीन यार प्रक्षेपण से जो है कॉस्मॉस 3M प्रक्षेपण यान के द्वारा किया गया था 1975 में, और वो कब हुआ था? 19 अप्रैल 1975 को जो है इसका प्रक्षेपण किया गया था कॉस्मॉस 3M, याद रखिएगा। ठीक है, इस उपग्रह का भार कितना था? 360 kg था। ठीक है, 360 किलोग्राम था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा था? खगोलीय एक्स किरण, सौर न्यूट्रॉन और गामा किरणों का अध्ययन करना इसका मेन उद्देश्य रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? तो देखिए, कुल स्थापित स्टेशन जो है भारत के द्वारा अंटार्कटिका में 3 अनुसंधान स्टेशन है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला का नाम, पहला नाम है दक्षिण गंगोत्री। पहला का क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, ये जो कि 1983-84 में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया था। दूसरे का नाम क्या है? मैत्री। दूसरा का क्या नाम है? मैत्री। ये 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था, 88-89। फिर इसके बाद तीसरा आता है भारती, इसका नाम क्या, यह कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये 2012 में इस्टेब्लिश किया गया है। अभी अगर इनमें से देखा जाए तो मैत्री और भारती ये दो कार्यरत हैं, जबकि दक्षिणी गंगोत्री बंद हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सीपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में लिथियम संसाधन की खोज किया गया है? लिथियम संसाधन की खोज जो हुई है वो नागौर जिला में हुआ है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, नागौर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया है? ट्रांसजेंडर समुदाय को ये पिछड़े वर्ग की सूची में डाला गया है, ये मध्य प्रदेश राज्य में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का क्या नाम है? भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार जो है उनका नाम है विमल पटेल। क्या नाम है? विमल पटेल, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस संसद भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना किस राज्य में किया जा रहा है? भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क जो है इसकी स्थापना केरल राज्य में किया जा रहा है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मई 2023 में प्रधानमंत्री के द्वारा इसका आधारशिला रखा गया था। ये जो है कहाँ पर है? केरल में, तो तिरुवनंतपुरम में है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में संपन्न फीडे शतरंज विश्व कप 2023 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी उप विजेता रहा? ये कहाँ पर हुआ? तो बाकू में हुआ है। बाकू कहाँ है? अजरबैजान की राजधानी बाकू। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी हुआ है। फीडे शतरंज विश्व कप 2023 में भारतीय शतरंज खिलाड़ी जो थे और रमेश बाबू प्रज्ञानंद, आर वी प्रज्ञानंद कहते हैं, ये उप विजेता रहे थे। और जीता किसने था? तो उनका नाम था मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे हैं, उन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम कंप्यूटर पर आधारित, क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित है बताना। अब आ गया आपका क्वेश्चन कंप्यूटर के। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर पर किस पर आधारित? क्वांटम कंप्यूटर जो होता है ये क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित होता है, क्वांटम मैकेनिक्स, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के आविष्कारक का नाम क्या है? तो उनका नाम है इसमें से चार्ल्स बैबेज, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इन्हें कंप्यूटर का जनक माना जाता है, कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है इनमें से? तो गणनाएं यानी कैलकुलेशन करने के लिए हम मेन कंपोनेंट अगर बात करेंगे तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, इसको ANU के नाम से भी जानते हैं। और ये अगर हम बात करें CPU में फीड होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली टाइप पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस जो है इनमें से अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं, और कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक सामान इनपुट डिवाइस है जो कि सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे माउस हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की न्यूनतम संख्या है जिसे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है, और किसकी यह न्यूनतम संख्या है? तो ये अगर हम बात करेंगे तो रिजोल्यूशन हॉरर
रिजोल्यूशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की क्या है न्यूनतम संख्या जिसे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी पार्ट, रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर बंद किए बिना डिवाइस निकालने या बदलने को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर बंद किए बिना डिवाइस को निकालने या बदलने को कहते हैं प्लग एंड प्ले। क्या कहते हैं? प्लग एंड प्ले। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, प्लग एंड प्ले। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? कंप्यूटर भाषा को अगर मुख्यतः हम देखेंगे तो दो वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला होता है लो लेवल लैंग्वेज, मतलब LLL जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज HLL का जिसको कहते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है? तो बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इन तीनों में हम इधर से जो है गुणा दो के स्क्वायर के टर्म में हम जो है गुणा करते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले में गुणा अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 का स्क्वायर प्लस 0 × 2 की पावर 1 का स्क्वायर प्लस फिर 1 × 2 की पावर 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 × 2 = 4 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 1 है यहाँ पे तो 2 की पावर 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और 0 से गुणा है तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद 2 की पावर 0 और 1 से गुणा है तो 1 हो जाएगा, तो इसको जोड़ लेंगे 4 × 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े हुए कंपोनेंट एक क्लोज लूप बनाते हैं? इनमें से क्लोज लूप इनमें से कौन सा बनाता है? तो अगर हम बात करें क्लोज लूप की तो वो होता है रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, रिंग टोपोलॉजी जो होता है क्लोज लूप बनाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में EULA का फुल फॉर्म क्या है? ELU का फुल फॉर्म बताना है। कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने फायरफॉक्स वेब ब्राउजर विकसित किया है? फायरफॉक्स वेब ब्राउजर या फिर मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर कहते हैं, ये अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी मोजिला फाउंडेशन और इसकी सहायक कंपनी मोजिला कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित एक ओपन वेब सोर्स ब्राउजर है, ठीक है। ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है तो मोजिला आंसर हो जाएगा। यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता ये है तो यहाँ पे mars.org क्या दर्शाता है? तो mars.org अगर हम बात करेंगे तो @ के बाद आने वाला जो भी शब्द होता है उस पते का डोमेन नेम को दर्शाता है, तो डोमेन नेम हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसकी व्यू प्रस्तुति की स्लाइड्स को व्यवस्थित करने में उपयोगी है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाला जो व्यू होता है वो प्रेजेंटेशन स्लाइड को व्यवस्थित करने में उपयोगी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट या मैसवर्ड में सेव एज का विकल्प खोलता है? तो वो शॉर्टकट कुंजी है F12। कौन सी है? F12, ठीक है। F8 से क्या होता है? विस्तृत चयन मोड में डॉक्यूमेंट्स में किसी स्थान पर क्लिक करने से वर्तमान चयन उस स्थान तक जो है फैल जाता है। F9 क्या होता है? प्रेजेंट टाइम में चयनित सभी फील्ड कोड को जो है अपडेट करता है। F10 जो होता है रिबन शॉर्टकट की को डिस्प्ले को जो है टॉगल करता है, जिसे अन्यथा की के रूप में भी जाना जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट में डेटा के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है, किसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ये बताना है। तो वर्कशीट यानी कि एक्सेल की बात कर रहा है, अगर वर्कशीट लिखा है तो एक्सेल समझिएगा। एक्सेल वर्कशीट में अगर हम देखेंगे तो डेटा जो होता है रो और कॉलम के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन देगा। अब क्वेश्चन आ गया आपके उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी को मनाते हैं हर वर्ष। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। और ये कब से मनाया जाने लगा है? तो 2018 से, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक संगठन है। तो यहाँ पे औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना में आच्छादित हैं, तो इनमें से अगर देखा जाएगा टोटल अगर हम बात करेंगे तो इसमें 10 हो जाएगा, आंसर एक बार करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है क्षेत्र और खनिज कहाँ कहाँ प्रदान होता है? सोनभद्र में कौन सा खनिज जो है मिलता है ये बताना। सोनभद्र में अगर हम इसमें से देखेंगे तो चूना पत्थर एक अपोर हो जाएगा। प्रयागराज में कौन सा खनिज प्राप्त होता है प्रयागराज से इसमें से? तो बी का हो जाएगा 2, सीसा बालू प्रदान होता है। ललितपुर से, तो ललितपुर से मात्र तांबा प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा
सी का 1 और मिर्जापुर से नॉन प्लास्टिक फायर के लिए डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आ जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है, वाणिज्यिक फसल कौन सी है बताना है। तो वाणिज्यिक फसल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी पार्ट, गन्ना जो होता है वो वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत आता है, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गंगा वाराणसी के किनारे है, गोमती सुल्तानपुर के किनारे बहती है, ठीक है, कोसी जो है गोरखपुर नदी, मतलब सॉरी गोरखपुर के किनारे कोसी नदी और सरयू अयोध्या के किनारे बहती है। तो यहाँ पर अयोध्या की अगर हम बात करें सरयू तो सही है, ठीक है, सुल्तानपुर गोमती नदी किनारे ये भी सही है, गंगा वाराणसी किनारे ये भी सही है, कोसी जो नदी दिया गया है वो गोरखपुर से नहीं बहती। गोरखपुर नदी, गोरखपुर के किनारे कौन सी नदी है, तो उस नदी का नाम है राप्ती नदी, ठीक है, राप्ती नदी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, जो कि ये घाघरा नदी की सहायक नदी है राप्ती नदी, तो आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में सुमेलित करना है नगर और हवाई अड्डा, ठीक है। लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है, लखनऊ में है अमौसी हवाई अड्डा। वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा है, वाराणसी में जो है बाबतपुर है। कानपुर के का हवाई अड्डा का क्या नाम है, चकेरी, और आगरा का हवाई अड्डा का नाम खेरिया है। तो इस तरीके से मिलान कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भोला लोकगीत जो है लोकप्रिय है किस क्षेत्र में लोकप्रिय है, तो भोला लोकगीत जो है ये आगरा और मेरठ क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है, तो आगरा और मेरठ हो जाएगा आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, और ये कहाँ पर लगता है, तो ये जो लगता है मेला ये देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव जो होता है ये आगरा में होता है, आगरा में आयोजन होता है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है, इनमें से काशी विद्यापीठ का संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य ये कहाँ पड़ता है, तो ये वाराणसी जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुआ था 1921 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम संग्राम सेनानी थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त, उन्होंने किया था, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन है, गुलाबी गैंग आंदोलन, गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक का नाम था संपत लाल, आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ये महिलाओं का वो समूह है जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गठित हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बांदा जिला, बांदा जिले में गठित हुआ था। इसका उद्देश्य था महिलाओं की घरेलू हिंसा और अन्य हिंसात्मक कार्यवाही रोकने के लिए प्रतिक्रिया देना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश किस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना किया जाएगा। फार्मा पार्क 2023 मई 2023 में फार्मा पार्क की स्थापना जो है ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, ललितपुर जिला हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, मई 2023 में मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश किस शहर में समर्थ अभियान की शुरुआत किया है। समर्थ अभियान, समर्थ अभियान जो शुरुआत हुआ है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कि गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, तो यहीं से स्टार्ट किया गया है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन के लिए बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न, जून 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना का शुरुआत किया गया है, तो उस योजना का नाम क्या है, तो उस योजना का नाम है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2030 तक वनावरण और वृक्षावरण कितने किए जाने का लक्ष्य किया गया रखा गया है, तो टोटल रखा गया है 15%, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक। अभी कितना है वर्तमान में, तो वर्तमान में अगर देखेंगे तो 9.23% है, ठीक है, लेकिन अब 2030 तक इसको 15% तक करने की घोषणा किया गया, रखा गया लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है मिलान करना, उद्योग दिया गया और स्थिति दिया गया है। कांच का सामान ए का क्या हो जाएगा, कांच के सामान या चूड़िया कहाँ पर बनते हैं, कहाँ पर यह होता है, तो ए का पहला हो जाएगा, ठीक है, फिरोजाबाद में। इसके बाद ताले, ताले कहाँ बनाए जाते हैं, तो बी का हो जाएगा 3। गोटे का कार कहाँ पर किया जाता है, तो ये होता है जो है वाराणसी और लखनऊ में। विद्युत करघा के उत्पाद जो है अगर ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो ये बनता है टांडा में, तो डी का टू हो जाएगा, टांडा अम्बेडकर नगर पड़ता है, तो इस तरीके से मिलान करने के लिए आ जाता है। अगले में भी मिलान करना है, उत्तर प्रदेश की योजना है और उसका प्रारंभ वर्ष है, ठीक है। किसान भाई योजना शुरुआत कब की गई, ए का क्या हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 3, 1992 में। किसान मित्र योजना की शुरुआत कब किया गया, तो ये किया गया था 2001, वो भी जून वाला, जून 2001 में किसान मित्र योजना की शुरुआत किया गया था, तो बी का 4 हो जाएगा। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुआ था 2000 में, तो सी का 1 हो जाएगा। और ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत हुआ था सन 2001 जुलाई में, तो ये इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली नल एक पेड़ यानी वन टैप वन ट्री योजना शुरुआत किया। इस योजना के निम्नलिखित द्वारा किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरुआत किया गया, ठीक है। तो ये अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये जो शुरुआत हुआ है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में एक नल एक पेड़ योजना शुरुआत किया गया है। यह योजना संयुक्त रूप से नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के द्वारा शुरुआत किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को जो है संतुलित करती है, तो वो हो जाएगा चरकुला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चरकुला जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य, इसमें महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सर के ऊपर एक रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित रखती है, और ये विशेषकर ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये पार्ट। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जाइएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।